दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जो नॉन बजट ब्रांड होते हैं जैसे सोनी, सैमसंग, एलजी और पैनासोनिक, अगर ये ब्रांड्स अगर बजट में टीवी निकालने लगे तो जो बजट ब्रांड है उनकी तो बैंड बजने वाली, क्योंकि यहाँ पे पैनासोनिक ने कुछ ऐसा ही काम किया है। उन्होंने एक फुल एचडी टीवी लॉन्च की है इंडिया में 40 इंच की और प्राइसिंग रखा है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये। और जी हाँ दोस्तों, पैनासोनिक एक नॉन बजट ब्रांड है, वो बजट ब्रांड नहीं है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ही साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस टीवी में जो मैंने पॉइंट आउट किए इस वीडियो में, तो आपको ज़रूर समझना है अगर आप ये टीवी लेने का प्लान कर रहे हो। इसी के साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे पैनासोनिक ने बजट टीवी क्यों लॉन्च की, तो सब कुछ कवर होने वाला है इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टनना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस टीवी के डिटेल को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरी में, जिसके थ्रू आप आसानी से समझ पाओगे इसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या डिटेल्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है टीवी की पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस, ये चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी से, जो सबसे मेजर फैक्टर होता है अगर आप कोई भी टीवी लेने का प्लान करते हो। तो इस टीवी में लगाया गया आईपीएस पैनल, तो इसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी होने वाली है, अच्छे व्यूइंग एंगल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ यार 8 बिट पैनल का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। एडिशनली बात करें यहाँ पे जो एलईडी की टेक्नोलॉजी है, ये डायरेक्ट एलईडी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल एलईडी लगाई गई है। बात करें अब इसके पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, यहाँ पे पैनासोनिक यूज़ करता है टेक्नोलॉजी विविड डिजिटल प्रो टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू वो बोलता है कि उसके ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो सब कुछ मैनेज होगा और आपको बहुत ही अच्छे कलर प्रोड्यूस करेगा यही टेक्नोलॉजी। इसी के साथ यार एक मल्टी HDR का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। बात करें इसके रिफ्रेश रेट के बारे में, तो 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है इसी टीवी में। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज लेके आया है जो एडाप्टिव बैकलाइट डिमिंग, इसके थ्रू होता क्या है कि यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू आपको अच्छे डार्क सीन्स जो होते हैं उसमें आपको रिच ब्लैक देखने मिलेंगे। तो ये बात हो गई पिक्चर क्वालिटी के बारे में। अब आगे बढ़ते और बात करते ऑडियो क्वालिटी और साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इस टीवी में लगाया गया 16 वॉट का साउंड आउटपुट। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वी ऑडियो, जो पैनासोनिक की ही बनाई गई टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू पैनासोनिक का कहना है कि काफी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको देखने मिलेगी, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने मिलेगा इसी टीवी में। और अब आगे बढ़ते और बात करते हैं यहाँ पे टीवी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे मेजर रोल प्ले करता है उसका प्रोसेसर। तो यहाँ पे इस टीवी में लगाया गया ARM का CA53 क्वाड कोर प्रोसेसर, और इसी के साथ ही साथ जो GPU कॉम्बिनेशन है Mali 470 लगाया गया इसी टीवी में। बात करें यहाँ पे टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी है सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी और एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा, और जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो 9 Pi वाला दिया गया है। अब बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो इस टीवी में 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है। मुझे लगता है शायद से थोड़ा कम है, स्पेशली रैम के मामले में। रैम अगर शायद से 1.75 GB का दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता था। जहाँ तक सवाल है कंटेंट प्रोवाइडर का, तो इस टीवी में आपको अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब परफेक्टली चलने वाले, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और आपको इस टीवी में प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। और बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस टीवी में लगाया गया है 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट, एडिशनली ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, वाईफाई एनेबल टीवी है ये, और आपको यहाँ पे क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है जिसके थ्रू आप मोबाइल का कंटेंट टीवी पे देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी इसी टीवी के। एडिशनली आपको यहाँ पे वॉइस एनेबल रिमोट तो मिलता ही है, और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। और जहाँ तक सवाल है टीवी की डिज़ाइन का, तो टीवी की डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब एकदम बीजललेस डिज़ाइन है, और जो लुक्स है टीवी के बहुत ही अच्छे हैं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे। ये सारी होगी बातें इस टीवी से रिलेटेड। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है इस टीवी में जो आपको ध्यान रखना है अगर आप ये टीवी लेने का प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस टीवी में कोई भी HDMI ARC पोर्ट नहीं है, जिसको बोलते हैं ऑडियो रिटर्न चैनल। तो आप कोई भी आपका जो होम थिएटर होगा वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वो सपोर्टेड पोर्ट नहीं है। एडिशनली यहाँ पे इस टीवी में आपको जो HDMI पोर्ट है, यूजुअली हर टीवी आपको 3 देती है, लेकिन इस टीवी में आपको 2 ही देखने मिलने हैं, तो ये भी एक माइनस पॉइंट होगा मेरे हिसाब से। दूसरा नेगेटिव पॉइंट होगा इस टीवी में कि यहाँ पे इस टीवी में आपको सिंगल बैंड वाईफाई देखने मिला, जहाँ पे आपको बजट ब्रांड जो होते हैं वो आपको डुअल बैंड वाईफाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस टीवी में सिंगल बैंड वाईफाई देखने मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एडिशनली कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे ब्राइटनेस, नेट्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इसके बारे में पैनासोनिक ने कुछ भी अपडेट अभी तक हमें नहीं दी। मैंने कोशिश की उनके कस्टमर सपोर्ट से बात करने के लिए, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा रिप्लाई मिला, आप खुद ही सुन सकते हैं। हेलो, मेरा नाम राकेश है, और मुझे ये जानना था कि ये जो पैनासोनिक की न्यू टीवी लॉन्च हुई है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, तो
उसका मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए था, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो? सर इस बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप चाहे तो मैं आपको जो हमारे ब्रांच शॉप है, ब्रांच शॉप का नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ब्रांच शॉप, ब्रांच शॉप, ये सर प्रणय सुनिक के ब्रांच शॉप का नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ बोलिए नंबर। उसके बाद मैंने ब्रांच शॉप पे भी कॉल किया और मुझे ये ऐसा कुछ रिप्लाई मिला, आप खुद ही सुन सकते हो। मयूर, मैं राकेश बात कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली पैनासोनिक कस्टमर केयर में फोन किया था, उन्होंने आपका नंबर दिया मुझे। एक्चुअली मैं जो पैनासोनिक की जो फुल एचडी टीवी लॉन्च हुई है ना, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, जो मुझे वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है पैनासोनिक के। फुल एचडी टीवी है ना, 40HS 450DX इसका मॉडल नंबर है, जो 20,000 का प्राइस रखा है ना आपने। एक्चुअली सर ये मैं आपको कल चेक करके बताऊं कि मेरे स्टाफ में आज कोई है नहीं, संडे बंद रहता है, उनको सब नॉलेज होता है सर। एक्चुअली मैं कस्टमर केयर वाले ने बोला कि आपके पास संडे को हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर आपको दे दिया होगा, बट ये स्टाफ ही हैंडल करता है और आज अच्छा। संडे को कोई स्टाफ नहीं होता है सर। दोस्तों आपने सुना कि यहाँ पे जिस दिन मैंने कॉल किया था वो संडे का दिन था, तो उनके स्टाफ अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे ही मुझे अपडेट मिलती तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सही डिटेल्स दे दूंगा। एडिशनली अब यहाँ पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, क्यों पैनासोनिक एक बड़ा ब्रांड, एक मेजर ब्रांड है टीवी कैटेगरी में जो नॉन बजट में आता है, और उसने बजट में टीवी क्यों लॉन्च की। तो यहाँ पे भाई सबसे सिंपल और आसान रीजन है इसका कि भाई अब जो बजट ब्रांड वाले हैं वो आपको एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज दे रहे हैं, अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, अच्छे फीचर्स है, अच्छी सर्विस है, तो फिर हम बजट ब्रांड वाली टीवी क्यों ना ले। तो ये चीज पैनासोनिक ने ऑब्जर्व की और ये चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बजट कैटेगरी में उनको निकालने में मजबूर कर दिया। बाकी जो बजट ब्रांड वाले हैं उन्होंने मजबूर कर दिया पैनासोनिक को कि आप भाई बजट टीवी में निकालो, नहीं तो आपकी रेवेन्यू की तो बैंड बजने वाली है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए पैनासोनिक ने टीवी निकाली बजट में। तो अब यहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन हो जाता है, जैसे वीयू हो गया, रियलमी हो गया, बाकी जितने बजट ब्रांड है, MI हो गया, तो ये सबसे अब पैनासोनिक का टफ कॉम्पिटिशन हो गया, क्योंकि पैनासोनिक की पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, इनफैक्ट जो मैंने 2011 में जो मेरे फर्स्ट जॉब लगी तब मैंने वो टीवी ली थी और अभी तक वो टीवी अच्छी चल रही है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने सिर्फ उसे 3 या 4 बार वो टीवी रिपेयर कराई है इन अराउंड 8-9 साल हो गए इस टीवी को यूज करते हुए, और अभी भी टीवी अच्छी चल रही है और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। वो हालांकि वो 32 इंच की HD टीवी थी। और दोस्तों यहाँ पे इस टीवी को समराइज किया जाए तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिला हर कैटेगरी में, और सबसे अच्छी चीज आपको बड़ा ब्रांड मिल रहा है पैनासोनिक, वारंटी भी अच्छी है 1 साल की जो बाकी ब्रांड भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो सर्विस सेंटर है बहुत ज्यादा है, सर्विस जो आफ्टर सेल सर्विस होगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, शायद से जो बजट ब्रांड है वो आपको अच्छी सर्विस नहीं दे पाते इसलिए वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट में आ जाता है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना। ये टीवी बिक रही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, दोनों की जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से चेकआउट कर सकते हो और काफी डिटेल्स भी पा सकते हो। मुझे नहीं पता कि ऑफलाइन में आएगी या नहीं आएगी, और फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है तो आई डोंट नो कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा ऑफलाइन मार्केट में, लेकिन ओवरऑल मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप ये टीवी परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया जरूर कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, काफी कुछ अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।